सॉलिड फेज केस टू। केस टू यानी आपको मैंने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, नहीं? यस सर, डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन सर करा था हमने। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। तो देखिए, ब्रिज बॉन्डिंग में ये मैंने बताया था कि हैलाइड ऑफ द ग्रुप 13 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए डाइमराइज करेंगे या बैक बॉन्डिंग बनाएंगे। तो कहीं पर बैक बॉन्डिंग होगा तो कंपाउंड ऑफ हैलाइड ऑफ बोरॉन जो है वो तो बैक बॉन्डिंग बना के अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन हैलाइड ऑफ द एल्युमिनियम जो है AlF3 को छोड़कर, AlF3 तो आयनिक है, उसमें डाइमराइजेशन हुआ, और डाइमराइजेशन में ब्रिज बॉन्डिंग होती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर, यस सर। उसी में लिखिएगा कि हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 undergoes hydrolysis and gives following reaction. जैसे अगर आपके पास BCl3 है वाटर के साथ हुआ तो इस BOH3 बना और इस Cl गैस बना। समझा? AlCl3 के साथ भी यही है। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख लिया था। यस सर, सब लोगों ने लिख लिया था, बोलिए। यस सर। चलिए अब आइए, ब्रिज बॉन्डिंग में सबसे पहली बात आइए, ब्रिज बॉन्डिंग की एक टाइप थी बनाना बॉन्डिंग, ठीक है? नहीं, जल्दी बोलिए। ब्रिज बॉन्डिंग में लिखवाया था बनाना बॉन्डिंग? अरे बोलिए ना आप लोग। यस सर। अरे ब्रिज बॉन्डिंग में दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कोई बैक बॉन्डिंग है। हाँ, अब सुनिए इसमें। अच्छा, AlCl3 का डायमराइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बना दिया था ना कि दो एटम आउट ऑफ प्लेन होते हैं, सिक्स यस एटम। AlCl3 डायमराइज करता है, बाकी ट्राइचे भी सिखा दिया था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए, हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं बेसिकली, ध्यान दीजिए, बनाना बॉन्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है सबसे पहला, उसके बाद फिर पहचानने का तरीका। पहले एक एग्जाम्पल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बनाना बॉन्डिंग कहाँ पाया जाता है। ये भी एक ब्रिज बॉन्डिंग है कि एक टाइप्स है, तो गौर से देखेंगे कि अगर आपके पास, आपने BH3 है, इसको कहते हैं बोरेन, बोरेन कहते हैं, बी का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बोरेन कहा गया। अब आइए, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। देखिए,
तो वही है कि इलेक्ट्रॉन जब डिफिशियंट है तो ये अपने आप को स्टेबल करेगा, तो जब स्टेबल करेगा तो डाइमराइजेस होगा, डाइमराइजेस जब होगा तो B2S6 बनाएगा, तो इसको कहेंगे डाइबोरेन। क्या कहेंगे? हेलो एवरीवन, डाइबोरेन, डाइबोरेन। और से सुने, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बोरेन हमेशा डाइबोरेन ही के फॉर्म में पाया जाएगा। अब देखिए कि मिसाल के तौर पर कि बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड बन गए, दूसरे बोरॉन के पास भी वही हाल है। अब इस दोनों बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सर ये B2S6 कैसे एग्जिस्ट किया? जैसे C2S6 इथेन, तो भाई कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग किया, इथेन बनाया। सर जब दो BH3, यहां देखिए दो BH3 जब कंबाइन कर रहा है, B2S6 है, लेकिन कैसे बॉन्डिंग होगी? अगर एक के पास भी इलेक्ट्रॉन होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता, तो इसीलिए इसमें कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आएगी। पहले समझ में आया कि B2S6 में क्यों स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है? हेलो एवरीवन, यस सर। एक ही आवाज क्यों आ रही है, बोले और लोग? यस सर। हाँ, दोनों के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो केमिस्ट्री ने इसका जुगाड़ किया कि भाई कैसे फिर एग्जिस्ट होगा। तो ध्यान दीजिए कि बोरॉन, मैं पूरा लिखाऊंगा भी, पहले डायरेक्ट समझा रहा हूं, एच एच तीन है और एक एच यहां है, एकदम उसी तरह जैसे ब्रिज बॉन्डिंग में बनाया था, दिखते रहिएगा। बोरॉन एच एच एच, क्लियर है? हेलो, ब्रिज बॉन्डिंग इसी तरह तो बनाते थे हम लोग। हेलो, यस सर। हाँ देखिए, फिर एक ही आवाज आई, बोले सारे लोग? यस सर, यस सर। गुड, अब सुने, बेसिकली होता है, जब ये मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर तो है ही है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर तो है ही, ये बिहारी इधर भी आ जाए, इसको कहते हैं मोमेंटरी इलेक्ट्रॉन, ये है यहां पर, ये इधर भी है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब कैसे सब हाइब्रिडाइजेशन सब सिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर तो है ही, ये बिहारी इधर भी जा रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर, ओह माय गॉड, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। सर इसको बनाना क्यों कहा गया? तो देखोगे, अब बताओ ये जो ब्रिज बॉन्डिंग बन रहा है कितने एटम से मिलकर बन रहा है? तीन एटम है, जल्दी बोलो सारे लोग। देखिए कितने गलत बात है, कोई बोल ही नहीं रहा भाई। yes, ये sir, तीन एटम yes, है ना? यस सर, यस सर, वेरी गुड। अच्छा, इस तीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, जल्दी बताओ? दो ही इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन, यस सर। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी है, तो 3C2E। बताओ एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को, इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ब्रिज बॉन्डिंग को कहते हैं बनाना, क्योंकि मैं बना के दिखाऊंगा, ये बनाना टाइप रहता है, ये बनाना टाइप बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन से सिखाएंगे। इसको ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन। तो याद रखें बनाना बॉन्डिंग क्यों आया, दोबारा समझें, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन से भी सिखाएंगे। कोई भी कहे कैसे पहचानेंगे कि ये बनाना बॉन्डिंग है, तो उसको याद रख लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन एटम तो रहेंगे ही, उससे कम, 3C2E जहां पर भी रहेगा केमिस्ट्री में वो बनाना बॉन्डिंग होगा। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन तो है ही, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इधर भी चला गया, अब कैसे गया वो हाइब्रिडाइजेशन से समझाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही, ये इधर भी चला गया, इसलिए इसको डॉटेड लाइन, इसलिए B2S6 एग्जिस्ट, डॉटेड लाइन, ये घूम घूम के इधर आ रहा, जैसे रहता है ना, एक आदमी रहता है कभी उधर जाता है, कभी डेली लाइफ में भी होता है ना, जैसे आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं ऊपर चले, दूसरी तरफ चले जाते होंगे, फिर भाग के चेयर पर बैठते होंगे, बीच बीच में होता है, बोलिए, आता है ना? हेलो, यस सर, यस सर।
तो भाई इधर भी है उधर भी है इधर भी है उधर भी है, ये एकदम मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही, ये इधर भी जा रहा है कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है कभी इधर, उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, इसका भी ध्यान दे रहा है, आओ ना मेरा ध्यान दो, इसीलिए इसमें ब्रिज बॉन्डिंग हुआ, इसको बनाना बॉन्डिंग कहा गया। अब मैं डिटेल में बताऊं, जल्दी बताऊं, मैं अच्छे से लिखवाऊं, जल्दी बोले, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गई, तो मैंने डायरेक्ट समझा दिया, पहले ये लाइन लिखे हैं, अब मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, जल्दी लिखे। अब आइए, पहला पॉइंट इन डाइबोरेन, पहले सुनिए लिखिएगा नहीं, मैं पहले सब एक लाइन लिखूंगा फिर समझाऊंगा फिर लिखिएगा, सुनिए, इन डाइबोरेन ईच बोरॉन is sp3 hybridized, पहली बात, मतलब ये कि देखिए bs3 में बोरॉन तीन ही बॉन्ड बना रहा है तो sp2 है, लेकिन जैसे ये b2s6 बनाया तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ना, मोमेंटरी उधर उधर जो जा रहा था, तो बोरॉन चार बॉन्ड तो बना रहा था ना, अब देखिए कितना खराब बैच है ये, क्यों नहीं क्यों शांति है, क्यों शांति है क्लास में, बोलें, अरे भाई ये तीन बॉन्ड तो था ही ना, अब ये जो इधर हुआ, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, तो मैंने नहीं कहा ये इधर तो है, अब बताओ बोरॉन चार बॉन्ड तो बना रहा है ना, बोलो, यस सर, बोलो, यस सर, हाँ यस सर, sp3, अब देखो अभी करके दिखाएंगे, रुक जाना, लिखना नहीं, ईच sp3, अरे सूरज सांची s2, जल्दी बोले, आ रहा है समझ में, यस सर, बोरॉन कंटेन, सुने, कंटेन्स 3 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैसे सर, एंड 1 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब पहले ये दो लाइन लिखो फिर समझाता हूं, पहले ये दो लाइन लिखो सारे लोग, सुने, नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो लेक्चर आज मैं भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक स्टार्ट हो, चूंकि नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही आसान है, ग्रेफाइट डायमंड ग्रुप 14 के बारे में वो आप पढ़ लेंगे, सुना सारे लोग, वीडियो लेक्चर को देखिए नोट्स बना लेंगे, सुना, यस सर, यस सर, हाँ वो कर लेंगे, वो आसान है, नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक और आप रेजोनेंस पढ़ के आएंगे, डीलोकलाइज्ड कंजुगेशन का क्या मतलब है वो पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक, लिख लिया, यस सर, यस सर, सर प्लीज वेट, अच्छा प्लीज वेट, ओके ओके, थैंक यू, अरे ये नोहा क्यों नहीं बोल रही है, नोहा, यस सर, समझ में आ रहा है ना साइंटिस्ट, यस सर, थैंक यू, यस सर, रिटर्न,
Everyone written? Yes, sir. Thank you. आप सुने, अब इसको मैं समझा देता हूँ. देखो, boron 1s square, 2s square, 2px 1, valence shell में 3. ग्राउंड स्टेट पे आपको मानना है कि हम वैलेंस शेल को लेते हैं. एक्साइटेड, ये याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन उतना ही होता है, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जितना बॉन्ड बनना, जितना बॉन्ड बनेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लो. 2s1, 2px1, इसका इलेक्ट्रॉन 2py1 में गया और 2pz0. क्या वो उस वक्त का जमाना याद नहीं है, अक्टूबर में जब क्रैश कोर्स केमिकल बॉन्ड के नाम से हो रहा था, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बताया गया था, ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है. और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है तो हाफ फिल भी मिक्स होता है, फुल्ली फिल भी मिक्स होता है और वैकेंट भी मिक्स होता है. क्या ये लाइन आपको याद है, बताइए. हेलो एवरीवन. यस सर. तो ये मिक्स होके ये बिहारी sp3 बनाया, इसलिए मैंने लिखा ईच sp3 इज 3 हाफ फिल एंड 1 वैकेंट. ये सब sp3 है, जितना बॉन्ड बनेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. तो देखो वही लाइन मैंने लिखा, sp3 have 3 half fill and 1 vacant hybrid orbital, ये 3 half fill and 1 vacant, हर boron का यही होगा. क्लियर है? हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. यस सर. पहले लिखें इसको. लिख लिया? यस सर. यस सर. आप सुने, अब आपके सामने देखिए दो बोरॉन है मेरे. नो सर नहीं लिखा, जल्दी लिखिए. Yes, सुनिए, दो बोरॉन, एक बोरॉन ये है, एक बोरॉन ये है. देखिए बोरॉन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. तो देखिए 1, हाँ, तो एक के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा, दो हाइड्रोजन इसके साथ, दो हाफ फिल के साथ बॉन्ड बना लेगा. उसी तरह दूसरा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ. तो बताओ 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं भाई लिखाऊंगा कि देयर आर 4 BH bond. अब उसका नाम मैं लिख देता हूँ BH1, BH2. जैसे मिसाल के तौर पर ये BH1, BH2, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है. BH3, BH4, 4 नॉर्मल BH बॉन्ड बन गया. बट स्टिल 2 hydrogens आर रिमेनिंग. हमें 6 हाइड्रोजन में 4 के साथ तो बॉन्ड बन गया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया sp3s. अब इसमें एक हाफ फिल एन वैकेंट खाली है, इसमें भी एक वैकेंट और एक हाफ फिल खाली है. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आवाज चिल्लाए ना. हेलो. यस सर. यस सर. अरे मेरे क्लास में एक्साइटेड स्टेट में रहे. बोर मॉडल के मुताबिक देयर आर, लिखें 4, मेरे साथ साथ लिखें, देयर आर 4 BH बॉन्ड. फॉर्म सच एज BH1, एक नाम है BH1, मैं नाम डिफरेंशिएट के लिए BH2, BH3, BH4. फोर्थ पॉइंट, बट स्टिल, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कभी आपको भूल जाए तो आप लिख लें, याद हो जाएगा. बट स्टिल 2 हाइड्रोजन आर रिमेनिंग. मेरे साथ साथ लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा. देयरफोर 1s1 ऑफ 1 हाइड्रोजन इज साइमल्टेनियसली ओवरलैप्ड विथ, लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा, हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरॉन एंड
and vacant hybrid orbital of another boron. अब इसका मतलब समझाऊंगा, पहले लिख लें हम यहाँ तक. Two hydrogens are still remaining, therefore one is one of one hydrogen, simultaneously overlap with half filled orbital of one boron and vacant hybrid orbital of another boron. लिख लिया तो बताइएगा. Yes, written. हाँ, सारे लोगों ने लिख लिया. Yes, sir. तो देखिए, सारे लोग देखिए, BH1 बना, BH2 बना, यहाँ BH3 बन गया, BH4 बन गया. बताइए दो हाइड्रोजन अब तक रिमेनिंग है कि नहीं, जल्दी बोलिए. हेलो एवरीवन. यस सर. तो देखिए मैं इसको पहले इस तरह समझाता हूँ, फिर मैं दोबारा लिख दूंगा. देखिए इधर सारे लोग इधर देखें, ये H1 से बन गया, ये H2 से बन गया, एक वैकेंट इसमें खाली, एक हाफ फिल इसमें, इस बोरॉन में खाली है. अब देखिए इसमें भी बन गया H3 और H4. सारे लोग देखिए इसमें भी एक खाली है. अब देखो क्या कहा गया, वन एस वन ऑफ वन हाइड्रोजन. मैं बीच में हाइड्रोजन को रख रहा हूँ. क्या कहा गया, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दें. वन एस वन ऑफ वन हाइड्रोजन, चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब वन हाइड्रोजन इज साइमल्टेनियसली ओवरलैप ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल ऑफ वन बोरॉन एंड वैकेंट है. मैंने कहा था ना ये मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन, ये इधर भी है और इधर भी जा रहा है. तो देखो एक हाफ फिल इसका तो एक वैकेंट इसका, बताओ तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं, साइमल्टेनियसली ओवरलैप्ड. अरे बोलो. यस सर. इसलिए ब्रिज बनेगा. दूसरा हाइड्रोजन फिर इसका वैकेंट होगा तो इस बिहारी का हाफ फिल्ड हो जाएगा. बोलिए हेलो एवरीवन. क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सारे लोग, बोलिए. आया समझ में? यस सर. इसी वजह से दो बनाना बॉन्डिंग बनेगा. देखिए मैं अभी समझाता हूं आपको. तो इसीलिए ड्यू टू विच, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, ड्यू टू विच टू बनाना बॉन्डिंग सच एज बी एच बी वन बी एंड बी एच बी टी आर फॉर्म्ड. ये बी का मतलब ब्रिज हाइड्रोजन है. जल्दी लिखिए. हेलो एवरीवन, लिख लिया? नो सर. नो सर. और फाइनल की, फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई आप लोगों की? सर डेट शीट नहीं आया सर, बट फर्स्ट वो बता दी टेस्ट कब होगा. कब होगा? हमारा 28 से स्टार्ट है. 28 फेब से? यस सर. माशाल्लाह माशाल्लाह.
वेरी गुड. ये साइंटिस्ट आपका रोशनी सिंह, रोशनी सिन्हा. यस सर. आपका बताइए कोई डेट आई? सर 22nd फरवरी. ओह गॉड, ओह माय गॉड, तब तो ऑर्गेनिक पर ही भी होंगी, आपको तो पूरा आता ही होगा. यस सर. गुड सर. ऑर्गेनिक सेकंड टर्म में नहीं है, रिसर्च सिलेबस में नहीं है ऑर्गेनिक सेकंड टर्म के. हाइड्रोकार्बन है बस. तो हाइड्रोकार्बन, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए पहले सेकंड टर्म है, बाकी तो अब हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना. बाकी तो जिसको हाइड्रोकार्बन पढ़ना पिछले साल वाला वीडियो लेक्चर ले लें निष्कर्ष सर से. अरे कुछ तो बोलिए, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? यस सर. यस सर. यस सर. अरे ये क्या हो गया. अरे ये नोहा का फोर्थ वेव से ये फाइनल एग्जाम है साइंटिस्ट, क्या बात कर रही हैं आप. तो चलिए ना, अरे चलिए ना, सेकंड टर्म में तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन आपका छूटा है बस. चलिए उसको पढ़ लीजिएगा अपना. ओके ये क्या हो रहा है भाई. कहाँ चला गया ये. वो पेज लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर. वो पेज लिख लिया था बनाना बॉन्डिंग वाला? यस सर. एवरी स्टूडेंट रिटेन? यस सर. तो मैं ये कह रहा था, सारे लोग ध्यान दें कि सांची सूरत ये बनाना बॉन्डिंग वाला आया साइमल्टेनियसली ओवरलैप्ड वाला? यस सर. तो भाई ये साइमल्टेनियसली ये हो गया आपका. दूसरे फॉर्म में, हर फॉर्म में मैं बना देता हूं, आप लोग लिखना शुरू करें. कुछ इस तरह का आता है, और अभी मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के भी दिखाऊंगा. तो यही है इसमें HB1 HB2, तो बनाना टाइप होने की वजह से इसको बनाना बॉन्डिंग कहते हैं. और ये लिख लीजिएगा सिंस बनाना bond is formed under the influence of three atom, मतलब three nucleus and two electron. Therefore two electron therefore banana bond is also called three-centered electron pair bonding. इसी को कहते हैं 3C2E. आपसे यही एग्जामिनर पूछेगा कि B2, सुनिए इधर, B2S6 में 3C2E सिस्टम कितना बना? 3C2E सिस्टम कितना बना? दो. अरे बोलिए ना, हाँ या ना. यस सर. चलिए पहले लिखिए इसको. कहाँ चला गया भाई?
ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। सिस्टम लगाना है। सो डन। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। तो इसीलिए इसको हम तो ये बनाना बॉन्ड इसलिए इसको कहते हैं। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। तो बनाना बॉन्डिंग का दूसरा नाम क्या है? 3C2E सिस्टम। 3C2E सिस्टम। इसलिए देखिए, मैंने ये कहा था, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैंने कहा था ना, दो लोब्स होते हैं। मैंने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, एक तो ये हो गया, एक बोरॉन ये हो गया sp3, दूसरा बीच में हाइड्रोजन 1s1, अब फिर ये दूसरा। तो इसीलिए इसकी जो शेप होती है कि वो बनाना टाइप होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसलिए बन के जो आता है ना, वो इसी तरह का हाइब्रिड बनता है। ये नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तीनों के मिक्सिंग के बाद। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। तो ये दो, इसलिए बनाना टाइप इसे यू कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्डिंग। इसलिए इसमें जो आपने बनाया है कहां गया, इसमें ये बॉन्ड लेंथ याद रखिएगा, ये एग्जामिनर दे सकता है 120 डिग्री, ये दोनों की एंगल 97 डिग्री। बॉन्ड एंगल इसलिए कम है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज दोनों के बीच में कम है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 119 पिकोमीटर, और ये जो डॉटेड लाइन की बॉन्ड लेंथ है वो है 130। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा इसलिए कि यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जामिनर दे सकता है। तो पहले ये डेटा लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। ये समझने के लिए बना लीजिए आप। चलिए अब हम ये इतनी बातें, चूंकि कुछ बातें रिड्यूस सिलेबस में हैं, इतनी बातें आपको पढ़ना है, उसके बाद
लिख लिया? यस सर। चलिए आप लिखिए गुरु 14। तो कार्बन फैमिली इसको कहते हैं, लिख लिया? Yes, sir. चलिए इसमें सबसे पहला देखिए, आप इसमें समझाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि इसका वीडियो लेक्चर आपको चलाया जाएगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, उस दिन मैंने डिटेल में बताया था कि पी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ग्रुप 14 जो है शोज प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू NS स्क्वायर NP2 कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट द रीजन। दूसरा बताइए, मैंने क्या कहा था, इनर्ट पेयर की वजह से 4 - 2 + 2 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो ड्यू टू, याद है सबको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 14 ऑल्सो शोज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिया? यस सर। यस सर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ईबी प्लस टू, फिर एसएन प्लस टू, फिर जर्मेनियम प्लस टू, फिर एसआई प्लस टू। याद है रीजन सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बोलो हाँ या ना। हेवियर एलिमेंट में निकले हैं सारे लोग? यस सर। यस। वही है कि ये सब में आप कोई ज्यादा ये नहीं है। अब आइए कि डेंसिटी का, ये सब आप पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी मैंने बताया था, डेंसिटी टॉप टू बॉटम, वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अब यहाँ देखिए आपके पास सिलिकन है, कार्बन है, जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो होता है, सारे लोग गौर से सुनिएगा, सिलिकन और कार्बन में कार्बन सिलिकन, हाँ सिलिकन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन कार्बन क्यों? लेकिन याद रखिए कार्बन का इसलिए, डायमंड की वजह से। याद है ना डायमंड बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। हेलो एवरीवन। यस सर। तो जर्मेनियम, एसएन, पीबी, क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर यही कार्बन ग्रेफाइट का ऑर्डर होगा तो ग्रेफाइट का सबसे कम होगा, ये लॉजिक याद रखिएगा। समझ में बात आ रही है? टॉप टू बॉटम लिख लिया? यस सर। हाँ लिख लिया? यस सर। चलिए अब आइए
कि अगर आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट, आप सबने इस ब्लॉक में पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो आपका टॉप टू बॉटम घटेगा, तो ये कार्बन क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन जर्मेनियम SN PB. लेकिन याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने एक दिन आपको तकरीर किया था ना, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या क्या देखते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिर मेटालिक, याद है आपको? हेलो तो कार्बन का नेटवर्क होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, लेकिन आपको मालूम है लेड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SN, बस ये याद रखना मेल्टिंग पॉइंट में. कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो एवरीवन. यस सर. ओके यस सर. हाँ चलिए, तो आज एक वीडियो लेक्चर आपको ग्रुप पर आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय. थैंक यू सर.